हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, हैप्पी करवा चौथ। आशा करती हूं आप सभी लोगों का करवा चौथ बहुत अच्छा रहा होगा। मेरा भी बहुत अच्छा रहा है, और अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या पूजा की, और लगभग हर साल ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूं। सो आप लोगों की बड़ी डिमांड रहती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने ये भोग लगाया केले और सेब का, और साथ में जो है जो ये भोग अभी अभी आया है, बस तुरंत हम इसको लगा रहे थे, तो मैंने इसलिए जब मैं वीडियो स्टार्ट करती तो बस अब इसमें पुष्प डालना बाकी है। और ये देखिए, सो कभी भी आप भोग लगाएं उसमें तुलसी के पत्ते या फूल ज़रूर डालें, खाली उसे ना लगाएं। हाँ, और यहाँ पे आप देखिए मिठाई रखी हुई है, वो श्रृंगार की सामग्री हमने चढ़ा दी है। अच्छा, हाँ हाँ। और ये देखें, ये जो सबसे मेन होता है ना, ये होता है चीनी वाला करवा, इसको ज़रूर प्रसाद में लगाएं। और ये सबसे मेन करवा है तो इसको ज़रूर रखें। हमारे यहाँ बड़ी इजीली मिल जाता है, आपके यहाँ भी आई एम श्योर मिल जाता होगा। और ये चौमुखी दीपक है, सो ये चार चार उसके हमने दीपक लगाए हुए हैं। और ये हमने जो है यहाँ पे कलश की स्थापना की हुई है, यहाँ पे हमने करवे रखे हुए हैं, और ये दो करवे हैं इसमें जो है वो शीख लगी हुई है। यहाँ पे देखिए, हमें इस बार झंडा मिल गया था तो हमने ज़रूर लगाया। अगर आपके पास पूजा में झंडा हो तो ज़रूर से लगाएं। और ये हमारी माँ पार्वती बैठी हुई हैं, ये छोटे से गणेश जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये और इनका ही विधान के साथ पूजन कर दिया। ये माँ पार्वती हैं, और यहाँ पर ये शंकर जी विराजमान हैं, और वहाँ पर देखिए करवा माता जो है वो बैठी हुई है। मैं आपको करवा माता नज़दीक से दिखा दूँ ये। तो चलिए, अब हम आपके साथ आरती शेयर करते हैं कि हमने आरती कैसे करी। तो बजाइए आप। और ये जो है वो कलश की स्थापना हो गई है यहाँ पर। हाँ हाँ, किताब ले आओ। तो ये जो है आरती मशीन है, बड़ी अच्छी है ये, इससे बहुत बढ़िया से आरती हो जाती है। लाइदे पीछे भी मैं ले लेती, और गणेश जी के नाम का 5 बार जो है दीपक घुमा दीजिए, और उसके बाद हम शिव जी की जो है वो आरती गाएंगे। सो आरती हमने कभी नहीं नहीं होगी, इसमें शिव जी की आरती होती है नहीं। तो दूसरी किताब ले लें, लाए उठाएं, वो देख लेंगे आप, हट जाए। इसमें तो करवा माता की आरती है, गणेश जी की आरती है, चलिए हम विष्णु जी की गा देते हैं, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं ना, ये हम विष्णु जी गा देते हैं, विष्णु जी और शंकर जी एक ही चीज हैं भाई, कोई बात नहीं, दोनों एक दूसरे के गुरु हैं। किताब में वही तो वही गा देते हैं। चलिए शुरू करिए। चालू करो। और ये देखिए, मैंने अपना लहंगा पहना हुआ है, मैं आपको लहंगा दिखा दूं। और ये अंतरयामी, स्वामी तुम्हें अंतरयामी, पार
और मेरा करवा चौथ बहुत अच्छे से जा रहा है। बस अब हम जाके मंदिर के अंदर की जो हमने वो पूजा है पूर्ण कर दी है ये, और अब हमें मंदिर के बाहर की, जैसे कि अब चंद्रदेव उगेंगे और बस उनकी पूजा मैं करूँगी। कोशिश करूँगी छोटी छोटी क्लिप उनकी भी आपके साथ शेयर करूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, तब आप इसको ही इंजॉय करना। और किसी का मेरे पास एक कमेंट आया था, दीदी आपने नौमी की वीडियो नहीं शेयर की। सो देखिए बहुत मुश्किल हो गया था नौमी की, क्या अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैंने विजयदशमी की पूजा की, उसकी आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई। फोटो छोटी सी उसकी पड़ी है, मैं इंस्टा पे शेयर कर दूंगी। और शरद पूर्णिमा का श्रृंगार नहीं शेयर किया, जबकि पूरा श्रृंगार किया हुआ है। इसी तरीके से नौमी का वीडियो, चूँकि नौमी वाले दिन हवन होता है, छोटा बेबी हमारे साथ है और कन्या पूजन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। सो किसी का नेगेटिव वे में कमेंट आया था, कोई बात नहीं, मैं सबको नोटिस में लेती हूँ। और कुछ लोग होते हैं जो आलोचना करे बिना मानते नहीं, उनका स्वभाव होता है। सो हम ऐसे लोगों को इग्नोर करके बस आपको ये बता रहे थे, चूँकि और भी लोगों का कॉमेंट था तो मैं बता दूँ, मैं क्या चलें आपको जानकारी रहे कि क्यों नहीं आ पाई। सो दोस्तों मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।